जय श्री राम, बजरंगबली की जय। नमस्कार YouTube परिवार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और हम भी यहाँ बहुत बहुत बढ़िया हैं। तो ये रात का टाइम और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं, तो मैं यहाँ किचन में आ गई और सोच रही थी क्या बनाऊँ, कुछ रखी हुई चीज़। तो मेरे को पहले लगा चलो गोभी बनाते हैं, पुलकित को तो थोड़ी थोड़ी भूख थी बट मैंने कहा मेरे को तो भूख है भैया, मेरे को खाना है, तो मैंने गोभी निकाली। अभी इस टाइम ना रात के 8 बजे हुए थे और भूख बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि सर्दियों में ना 8 बजे भी ऐसा लगता है कि भाई कितना अंधेरा हो गया। तो मैं यहाँ बस सब्ज़ी कट करने ही आ रही थी लेकिन पुलकित ने कहा कि गोभी रहने ही दे, कुछ और बना ले। मैंने कहा क्या? फिर उन्होंने बोला कि दाल बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दाल के बारे में सोचती हूँ। फिर मैंने इस गोभी को अभी ऐसे साइड में रख दिया और इसके बाद मैं चलती हूँ यहाँ से सीधा दाल बनाने को। फिर मेरा माइंड फ्लिप हो गया, मेरे को लगा हाँ जब बच्चे भी खा लेते हैं दाल बहुत अच्छे से, तो मैंने कहा चलो फिर क्यों नहीं दाल ही बना लेते हैं, सब्ज़ी को रहने देते हैं। हाँ सब्ज़ी भी मैं कट करूँगी लेकिन दाल चढ़ाने के बाद। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो मैं जब दाल बनाती हूँ ना अरहर की, तो उसमें मसूर की दाल भी डालती हूँ और उसमें मूंग की दाल भी डालती हूँ, धुली मूंग की दाल, क्योंकि बच्चे ना प्रॉपर सिर्फ येलो दाल खाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ और पोषण भी उनको मिल जाए। मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है, मसूर की दाल बहुत अच्छी होती है। तो सर्दी हो रही है तो मैं ना ये जो आप देख रहे हैं इससे शेक करके ना तब दाल को वॉश करूँगी, बिकॉज बहुत ठंडा है और पानी में डालने का हाथ बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और पानी एकदम बर्फ़ की तरह आ रहा था, एकदम सुन बहुत ज़्यादा हाथ ना बहुत ठंडे पड़ जा रहे थे। तो मैंने कहा ये टेक्निक एकदम बेस्ट है, आप लोग भी कर सकते हो, स्पून से भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से वॉश हो जाती है। तो यहाँ मेरी दाल हो गई, अब पानी ले लेती हूँ उसमें, क्योंकि ताज़े पानी की टंकी है ना, तो यहाँ से पानी लेके इसमें मैं दाल यहाँ पे चढ़ा दूँगी। पहले कुकर को थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ एंड यहाँ पे पानी जितना मेरे को चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आप भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसके बाद हम कुकर में अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। और यहाँ मैं बिल्कुल से कुछ बात कर रही थी, बीच बीच में बोले जा रहे थे और बस ऐसी बात चल रही थी। मैंने यहाँ पर दाल चढ़ा दी, देखो सब्ज़ी भी रखी हुई है साइड में। अब मैं इसमें डालूँगी सिर्फ नमक और हल्दी, बाकी कुछ और तो नहीं। तो यहाँ ना मैंने नमक का डब्बा ले लिया और हल्दी का डब्बा ले लिया। तो यहाँ मैंने नमक हल्दी अच्छे से डाल दिया, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला एंड लास्ट मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है। एंड मैं पुलकित से बोली थी चाय बना लो, पुलकित ने बोला कि चल अभी रहने देते हैं बाद में पियेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने दाल चावल दोनों चढ़ा दिए बनने के लिए और ये सब हो रहा है। देखती हूँ मैं पुलकित क्या कर रहे हैं, बहुत देर से दिखे थे, देखो जरा क्या कर रहे हैं। शर्म कर लो शर्म, तुम बच्चों की चीज़ें खा रहे हो भाई। बच्चे थोड़ी ना खाएंगे, बच्चे बीमार, तुम बीमार नहीं होगे सारी चीज़ें खा के। शर्म कर लो धोजत भरे, शर्म कर लो शर्म। कितने गंदे हो यार, मुझे कोई शौक नहीं है चीजें खाने का, मैं बड़ी हो गई हूँ। नहीं मैं बच्चों वाली चीजें खाती भी नहीं हूँ। तो पुलकित की ना यही हरकतें चलती रहेंगी साइड बाय साइड। आप देख लीजिए यहाँ मैंने बना कट कर लिए गोभी, तो इनको सुखाने यहाँ पे रख दिया वॉश करके अच्छे से, ताकि जब भी ज़रूरत हो बना लूँ। यहाँ पे सरसों के पत्ते भी धो के रख दिया ताकि इनको कट करके तो मॉर्निंग में सब्जी बना लूँगी। एंड यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो गया था और पुलकित ना पहले गोभी को दाल रोटी खिला रहे हैं, वो भी यहाँ पे सो रहा था। तो मैंने कहा तक वो सो रहा है जब तक खिला दो, अदरवाइज़ वो खाने नहीं देता और बहुत परेशान करता है। तो पुलकित कुछ काम करने लग गए थे बहुत ज़रूरी, मैंने कहा पहले खाना खिला दो भाई बच्चे को। ये देखो हमारा ओ भी कितने प्यार से सो रहा है, मतलब ये अभी देखो थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा। और उसके बाद इसने इतना आतंक काटा कि जिसकी कोई हद नहीं, रात के 2 बज गए थे और ये जाग ही रहा था, इतना परेशान कर रहा था। लेकिन हाँ चुप लेट जाता, जब रात हो जाती है ना ज़्यादा तो शैतानी नहीं कर रहा, चुप आँखें खोल के देख रहा है ऐसे ही। और यहाँ पे हम गोभी को खाना खिलाने के लिए टीवी चला रखा है, वरना वो फिर खाना खाने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना उसकी। यार पापा उसको कह रहे हैं कि प्रे करो और थैंक यू बोलो भगवान जी को, तो बस ये वही कर रहा, लेकिन टीवी से इसकी नज़र हटने को तैयार नहीं है। देखो वो उसको बड़ा फोर्सफुली बोल रहे हैं, अरे बोलो बोलो, बच्चे टीवी में लगते हैं तो कहाँ फिर उनका ध्यान रहता है। तो ठीक वैसे ही इन सब्जी का भी ध्यान नहीं है। धन्यवाद, खाने के लिए शुक्रिया। हिंदी उर्दू मिक्स कर दिया है। तो यहाँ ये ओबी को उठाने के लिए बोले थे पर मैंने मना कर दिया कि नहीं अभी मत उठाओ। एंड इसके बाद ये है अगले दिन सुबह का वीडियो और हम यहाँ पे ना नाश्ता वगैरह सब करके ऊपर छत पे आके बैठे थे। तो यहाँ पे ओबी को नींद आ रही थी धूप को देखती, और यहाँ मैं गोई को ना ट्यूशन का वर्क भी करा रही थी कि ट्यूशन का काम भी कर लो, क्योंकि पता भी नहीं चलता दिन ढल जाता है और शाम को 3 बजे ट्यूशन का टाइम भी हो जाता है। तो यहाँ पर बस यही सब चल रहा था। और बच्चे जब धूप में आके ना बड़ा खुश हो जाते हैं, धूप बहुत अच्छी हो रखी थी आज ऐसे, हाँ हवा बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम कम थी। और यहाँ पर ना मेरा ओवी मेरे को लाड प्यार कर रहा था, मम्मो मम्मो कितना क्यूट लगता है ना, बहुत ज़्यादा सीरियसली।
और यहाँ पे जैसे पुलकित ना हमने नेल कट कर रहे थे, तो वो भी आया कि मेरे को नेल कट कराना है, उसको बड़ा लगता है देखिए जब भी मैं गोई गोई करती हूँ तो वो ऐसे ही करता है हमेशा, तो यहाँ भी वो आ गया हमेशा की तरह नेल कट कराने, देखो उसका एक्सप्रेशन कि वो कैसे दिख रहा है। फिर यहाँ गोयू ने बोला मम्मा ये कैसे होगा ये कैसे होगा, तो मैं उसको बता रही थी ठीक है या नहीं उसका काम, तो यहाँ बस उसको काम करा रही थी इंग्लिश का भी, बाकी सारा काम तो उसका बस हिंदी का तो हो गया बट इंग्लिश इंग्लिश का रह गया, तो बस यही सब करा रही थी। बाल हाँ यहाँ से बस यहाँ से बाल कटाने हैं। हाँ। और बाकी ऐसे ही रहोगे? अच्छा जी बहुत हेयर स्टाइल वाह। अब फिर घर पे नहाऊंगा, फिर घर पे नहाऊंगा, फिर देखना फिर क्या करूंगा अपना क्या हाल। अच्छा जी क्या हाल कर लोगे अपना? कह रहा क्या हाल कर लूंगा अपना। ए नेल कटर दे बाल को नीचे कर लूंगा फिर। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा समझ गए समझ गए। ओल बाल बढ़ाएंगे ओल बाल बढ़ जाएंगे हाँ ना फिर से कटवाना। अच्छा ठीक है बेटा फिर से मिलाना दो बार। अच्छा बोलो जय श्री राम। हाँ जोड़ के बोलो जय श्री राम बजरंगबली की जय।